के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों सदनों में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने का कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया। इसके बाद दिल्ली NCR के चारों बॉर्डर पर जमा हजारों आंदोलनकारी और संयुक्त किसान मोर्चा असमंजस में है, क्योंकि आम जनता भी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो। इस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि एक साल से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा कृषि कानून विरोधी धरना प्रदर्शन इसी सप्ताह खत्म हो सकता है। सरकार ने जिस तरह तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराया, उससे अब आंदोलनकारी भी घर वापसी की तैयारी में है, इसका इशारा भी मिलने लगा है। सोमवार को आंदोलनकारियों द्वारा टिकरी बॉर्डर पर कई जगह से तंबू हटाए गए और अब वे घर वापसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुंडली बॉर्डर पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 को नहीं 1 दिसंबर को होगी। उधर टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के नेता अब दबी जुबान में कह रहे हैं कि जब वे पंजाब से चले तो MSP की उनकी मांग ही नहीं, यह तो दिल्ली की सीमाओं पर आने के बाद ही जोड़ी गई है। उस पर भी सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। स्पष्ट है कि सरकार ने इस मसले को नकारा नहीं है। पंजाब के किसान नेता प्रगट सिंह ने कहा कि अब जल्द ही घर वापसी करेंगे। सरकार ने जिस तरह से कानून वापसी का प्रस्ताव पारित कराया है, यह आजाद भारत के इतिहास का पहला मौका है। सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं।